कोरबा जिले में टेस्टिंग की बढ़ी रफ्तार तो रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी, संक्रमण और बढ़ने के आसार। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब के दावों की पोल खोलकर रख दी है। लैब में एक दिन में 400 आरटीपीसीआर के सैंपल टेस्टिंग की क्षमता है, जबकि प्रतिदिन औसतन 900 से 1000 सैंपल टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। आलम यह है कि टेस्ट कराने के तीसरे या चौथे दिन लोगों को रिपोर्ट मिल रही, इससे संक्रमण और बढ़ने के आसार हैं। यही नहीं, सबसे बड़ी लापरवाही कोविड संक्रमितों तक दवाई पहुंचाने में बरती जा रही है। संक्रमितों तक कोरोना मेडिसिन किट दो दिन बाद भी नगर निगम नहीं पहुंचा पा रहा, जबकि कलेक्टर रानू साहू ने जोनवार वार्डवार दल बनाकर तत्काल संक्रमितों को जरूरी दवाई मुहैया कराने का निर्देश दिया है। नगर निगम क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बुंदेली में पदस्थ एक व्याख्याता कोविड पॉजिटिव आई है, उनके साथ उनका 16 वर्षीय पुत्र भी संक्रमित है। मल्लिक मंगलम के आगे बिरसा मुड़ा नगर दादर खुर्द मार्ग में निवासरत व्याख्याता दो दिन से दवाई का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वे कई बार कंट्रोल रूम में फोन कर इसकी जानकारी दे चुकी हैं। कंट्रोल रूम से जल्द पहुंचाने अन्य दवाई नहीं खाने की सलाह उन्हें दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दवाई के अभाव में उनकी सेहत ठीक नहीं है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। बहरहाल जोन कमिश्नर की ये घोर लापरवाही लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हालांकि सोशल मीडिया में मामला संज्ञान में आते ही दवा पहुंचा दी गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।